नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। एक ऐसा किला जो भूली भटियारी के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा क्या है कि लोग यहां रात को जाने से डरते हैं? जी हां, आज हम आपको इसी डरावने किले के बारे में बताते हैं। हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जिनका जिक्र आते ही हर किसी की रूह कांपने लगती है। हालांकि इनके साथ जुड़ी डरावनी कहानियों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन इन जगहों पर स्थानीय प्रशासनों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। ऐसा ही एक किला है जो कि दिल्ली में है और ये काफी डरावना है। कहा जाता है कि यहाँ एक रानी की आत्मा आज भी शाम ढलने के बाद घूमती हुई नजर आती है। तो चलिए आज हम आपको इसी किले के राज से रूबरू करवाते हैं। दिल्ली के जिस किले की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है भूली भटियारी महल। ये किला दिल्ली के करोल बाग में है। कहते हैं कि आज भी इस स्थान पर भूतिया घटनाएं होती है। यही वजह है कि यहाँ पर शाम 5 बजने के बाद जाने की सख्त मनाही है। इस स्थान को लेकर कुछ किस्से मिलते हैं, जिसमें से पहला तो राजा फिरोज तुगलक का है। कहते हैं कि इस किले का निर्माण शिकारगाह के तौर पर करवाया गया था, लेकिन उनकी रानी को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए बाद में ये जगह रानी के रहने का स्थान बन गया। दिल्ली के इस रहस्यमय और डरावने किले को लेकर एक और कहानी मिलती है। इसके अनुसार एक बार राजस्थानी कबीले की एक महिला इस स्थान पर अपना रास्ता भूल गई थी, लेकिन ये जगह उसे पसंद आई तो वो वहीं रह गई। कहते हैं कि उस राजस्थानी महिला के रास्ता भूलने और फिर हमेशा के लिए इसी जगह पर रह जाने की वजह से ही इस स्थान का नाम भूली भटियारी पड़ गया। तो चलिए अब जानते हैं इस हॉन्टेड जगह पर पहुंचने का प्रोसेस। करोल बाग के बग्गा लिंक से यहाँ जाने के लिए एक रोड दी गई है। ये आपको वीरान जंगल की ओर ले जाती है। इस रास्ते के जरिए आप यहाँ से एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ रात के समय किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती। कहा जाता है कि यहीं भूली भटियारी का महल है। यहाँ के बारे में सुनकर लोगों के मन में भय जाग उठता है। इसकी वजह यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को बताया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है जिसमें ये लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। दिल्ली पुलिस शाम होते ही इस महल की ओर जाने वाले रोड की मोड़ पर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोक देती है। कहा जाता है कि जहां पर भी ये बोर्ड लगाया गया है वहां जरूर किसी नकारात्मक शक्ति का कब्जा है। तभी तो इस जगह पर कोई गार्ड नहीं है। अगर कोई भी गार्ड यहां तैनात किया जाता है तो वो एक रात से ज़्यादा रुक नहीं सकता है। आखिर ये कहानी कितनी असल है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम रहस्यमय खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 44। नमस्कार।